हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रणव प्रियदर्शी और आप हैं प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस थर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइज, इससे पहले क्लास वन में जब हम लोगों ने चर्चा किया था तो उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में चर्चा किया था कि उनका उत्पत्ति कैसे हुआ और उसका कारण क्या था। सजेशंस लिंक में भी उसको दे दिया गया, आप चाहो तो वहाँ से भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद है गाइज, जैन धर्म का जो सेकंड क्लास जो चला था हमारा, उसमें हम लोग मुख्यतः चर्चा किए थे कि जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकर हुए, मुख्य तीर्थंकर कौन कौन से हुए, जिसमें हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में भी चर्चा किया था। आज की जो तीसरा क्लास है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से जैन धर्म के सिद्धांत, उसके सभाएँ और कैसे कैसे वो विभाजन हुआ, उसके साहित्य क्या थे, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे और लास्ट तक बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। शुरू करते हैं जैन धर्म का सिद्धांत। तो सिद्धांत का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, उसका जो भी नियम कानून है वो क्या मतलब कहना चाह रहा है, उसकी क्या विचारधारा है, उसको मुख्यतः वो कंक्लूड करके तीन चीज में लाकर देते हैं। पहला जो है वो कहते हैं सम्यक दर्शन, दूसरा जो है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। तो ये ज्ञान, आचरण, दर्शन, ये चीज़ें तो आप लोग को समझ में आ रही होगी, लेकिन इसका मूलतः जो मीनिंग जो यहाँ पर बताया जाता है वो ये कहा जाता है, सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सत्य में विश्वास करना, जो भी सत्य है हम उसी को विश्वास करेंगे। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान, जिसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक का मतलब होता है सही, वास्तविक, तो ये हो जाता है सम्यक ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, जो ठोस ज्ञान है उसके ऊपर ये सिद्धांतों को मानते हैं। तीसरा जो है सम्यक आचरण या चरित्र, तो इसमें क्या बोलते हैं कि सुख दुख में समान भाव, जब गम आया तो आप ज़्यादा ही हतोत्साहित हो गए और जब खुशी आए तो आपका फूले नहीं समाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार से ये तीन चीज़ दिए गए हैं। तो ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, लेकिन आप मुख्यतः सिर्फ ये समझो दर्शन ज्ञान चरित्र, दर्शन ज्ञान चरित्र याद कर लो, दर्शन ज्ञान चरित्र, दर्शन ज्ञान चरित्र, इस तरह से तीन याद कर लो। सम्यक सम्यक तो तीनों में, तो आप तीनों में जोड़ देना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तीन हो गया, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए थे? राजगिरि, जिसको हम लोग वर्तमान में राजगिर भी बोलते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में। महावीर स्वामी का जो थॉट था वो ये है जैन धर्म में कि ये आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास रखते हैं। अब आत्मा में क्या, तो आत्मा से आप सभी परिचित हो, इसके बारे में इसका ना कोई रंग रूप कुछ भी नहीं है, परंतु इनके द्वारा ये विश्वास किया जाता है कि आत्मा जैसा भी कोई चीज़ है। अब दूसरा है पुनर्जन्म, यानी कि इस जन्म के बाद हमारा फिर से दूसरा जन्म होगा। जैसे कि ओ माई गॉड जो मूवी था उसमें जो बोलता है, यदि आप इस जन्म में कुछ गलत काम करते हो तो अगले जन्म में आपका पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म में आप कुत्ते में जन्म लोगे, बिल्ली में जन्म लोगे, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का इसमें माना जाता है। तीसरा जो है वह कर्म, यानी कर्म के आधार पर हम जिस तरह से कर्म करेंगे, जिस तरह से काम करेंगे, हमारा मोक्ष उसी तरह से मिलेगा, हमारी पुनर्जन्म उसी तरह से होगी। तो ये कर्म आधारित था, ये कर्म को ज़्यादा विश्वास करते थे। उसके बाद चौथा मोक्ष, तो मोक्ष के बारे में मैंने बताया था, मोक्ष प्राप्ति, जीवन, मृत्यु सत्य है, वही चीज़ें यहाँ पर बोला गया है। मोक्ष प्राप्ति, जीवन मृत्यु का चक्र को कंटिन्यू बनाए रखना, तो इसमें मोक्ष का बोला गया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ये वर्ण व्यवस्था को भी मानते हैं, जो उपासक उपासिका जो होते हैं वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जो मुझे लगता है कि विघटन का कारण में कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट शामिल था। क्योंकि आप सोच लो, जिस छठी शताब्दी में वर्ण व्यवस्था से लोग त्राही त्राही हो रहे थे, उसी वर्ण व्यवस्था से वो चेंज होकर नए धर्म की ओर जा रहे थे। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ मैंने लिख रखा है संलेखन। तो संलेखन विधि दरअसल ये है कि जब जैन धर्म के जो उपासक उपासिका होते हैं वो अंतिम अंतिम क्षण में जो अपना वो मृत्यु जो चाहते हैं वो चाहते संलेखन विधि से। इसमें क्या होता है, तो उपवास रखकर संलेखन विधि में कंटिन्यू वो उपवास रख, किसी एकांत जगह पर वो तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते धीरे 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 वो पूरा अपने शरीर को गला देते हैं, क्योंकि खाना वगैरह कुछ नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो गया, इस दुनिया को छोड़ देते हैं, जिसको वो संलेखन विधि के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अहिंसा पर अत्यधिक बल,
किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। आप चाहे अहिंसा, मतलब यहाँ सिर्फ हत्या करना ही नहीं हो गया, यदि आप किसी को हिंसात्मक रूप से, किसी को गुस्सा से डांट दिए, किसी को बोलकर आप किसी को मन को आहत पहुंचाए हैं, या किन्हीं को टॉर्चर किए हैं, या किन्हीं को अपमान किए हैं, यानी कि आपका हिंसात्मक चरित्र यदि किसी तरह से दिखा है तो वो आपका चला जाएगा कि आप जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, आपका हिंसात्मक चरित्र ये दिख रहा है। तो जो उनके जो मुख्य जो उपासक उपासिका होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब गए यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे जैन सभाएं, प्रथम जो हुआ था हमारा हुआ था पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये कब हुआ था भाई? तो 400 ईसा पूर्व, एकदम सीधा सीधा 400 याद रख लेना है, 400 ईसा पूर्व। अब जाहिर सी बात है उतने बड़े सम्मेलन कर रहे, बैठक कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए ना। थोड़ा सा पंचायत हम लोग बैठते हैं तो उसमें भी अध्यक्षता चूज कर लेते हैं ताकि उनके दिशा निर्देश में हमारा जो भी जजमेंट हो वो आ सके। तो इसी तरह से यहाँ पर हुआ, जो यहाँ जो अध्यक्षता किए वो किए थे स्थूलभद्र के अध्यक्षता में, जो प्रथम जैन सभा हुई उसमें जो मुख्य ये बातें डाली गई, 12 अंगों का संकलन डाला गया। जब जैन साहित्य के बारे में अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा मिलेगा अंग के बारे में, अंग उपांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 12 अंगों की चर्चा मिलता है, 12 अंगों का संकलन उसमें डाला गया। अब गाइस द्वितीय जैन सभा सेकेंड जो हमारा जैन सभा हुआ वो कहाँ हुआ? तो एकदम वल्लभी, आप लोग याद रखो वल्लभी। लेकिन इसका जो ईसवी सन है 512, इसके जो अध्यक्षता जो कर रहे थे, इस द्वितीय जैन सभा के जो अध्यक्षता कर रहे थे उसमें दो लोग कर रहे थे। सिंपल है, प्रथम वाला में एक, द्वितीय वाला में दो। पहला जो थे देवध्रिगण और दूसरे जो थे वो थे क्षमा श्रवण। तो आप लोग याद रखना, क्षमा श्रवण दूसरे थे और पहले देवध्रिगण। धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो कमेटी तो चाहिए कि कौन दिशा निर्देश करेगा, क्या कैसे करेगा, नियम कैसे बनाए जाएंगे। तो संघ का निर्माण किया गया जिसमें से कुल कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। 11 सदस्यों के जो समूह जो था, संघ जो था, 11 सदस्यों को क्या बोला गया? गंधर्व बोला गया। और इस संघ के जो अध्यक्ष थे, संघ बनाए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो कमेटी बनी तो उसका तो प्रेसिडेंट कोई ना कोई होंगे। तो कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? सुधर्मन। कमेटी संघ बना जिसमें 11 सदस्य थे, 11 सदस्यों के समूह को हम लोग गंधर्व बोलते हैं। और गंधर्व के जो अध्यक्ष जो थे, प्रथम जो अध्यक्ष बने वो बने सुधर्मन। जब भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर साथ में जब गए श्रवण बेलगोला में, उस वक्त ये तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद जब वापस आए तो उनको नज़र आया कि जैन धर्म में बहुत सारे चीज़ों को परिवर्तन कर दिया गया। अब जैन धर्म दो भागों में बंट गया, तो दो भागों में कौन कौन सा बंटा? पहला जो था हमारा श्वेतांबर, आपको नज़र आ रहा होगा श्वेतांबर, और दूसरा हमारा था दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले, श्वेत मतलब सफ़ेद वस्त्र को धारण करने वाले। आपको जब देखना है तो आप गिरिडीह का पारसनाथ चले जाओ, वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो इसमें से क्या है, श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र को वो धारण करते हैं, साथ में इसके जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? दिगंबर भाग के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? भद्रबाहु। इनका ये मानना था कि महावीर स्वामी एक महापुरुष हैं जिनको मूर्ति पूजा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, और ये इन्हीं के द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन धर्म के समर्थक राजा थे, तो उनको भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक साथ मिलकर श्रवण बेलगोला में जाकर वो कड़ी तपस्या करते हैं। तो आप लोग वहाँ से भी याद रखना, ये मूर्ति पूजक थे। अभी मैंने बताया श्वेतांबर जो है मूर्ति पूजा करते हैं। अब मूर्ति पूजक है तो भाई जाहिर सी बात है मूर्ति तो बनाना पड़ेगा, तो मूर्ति वो कैसे बनाते थे? मथुरा कला में। बौद्ध धर्म की जो ज़्यादातर मूर्तियाँ जो बनी वो हमारा बना गंधार कला में, लेकिन जैन धर्म की जो ज़्यादातर मूर्तियाँ जो बनी, मूर्तियाँ बनी, मंदिरें बने, वो सब बने हमारा मथुरा कला में। तो ये डिफरेंसेस आप लोग याद रखना, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। अगर क्वेश्चंस में पूछ दिया कि मथुरा कला में किस धर्म के मूर्ति का निर्माण किया जाता है, तो
कौन सा आंसर होगा हमारा? जैन धर्म। लेकिन वहीं अगर पूछ दिया कि गंधार कला के आधार पर किस धर्म की मूर्ति को निर्माण किया जाता है, तो बौद्ध धर्म। तो आप लोग यहाँ कॉमन से डिफरेंसेस ये याद रखना, इसमें मूर्ति पूजक है, उसमें मूर्ति पूजक नहीं है, वो महापुरुष मानते हैं। तीसरा जो है वो स्त्री को मोक्ष है, इसमें क्या होता है कि श्वेत कपड़ा धारण करके स्त्री मोक्ष कर सकती है, स्त्री को परमिशन ही नहीं, यानी कि स्त्री का किसी भी प्रकार का मोक्ष की प्राप्ति नहीं है उसमें। लेकिन इसमें स्त्रियों का भी मोक्ष का प्राप्ति का प्रावधान किया गया। समय परिवर्तन हो गया, बदलते चला गया। आप इसी तरह देखोगे बौद्ध धर्म को भी, तो उसमें भी बांटा गया। जब हम लोग बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, उसमें महायान और हीनयान करके बांटा गया था। महायान और हीनयान में जो डिफरेंसेस है उसको मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन बौद्ध धर्म में भी विभाजन हुए। अब फ्रेंड, अगर हम लोग जैन साहित्य की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, इसका जो निर्माण हुआ था वो अर्धमघी भाषा में हुआ था, लेकिन इसका जब प्रचार प्रसार करते हैं, जो भाषा की जो बोली जाती थी वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऐसे करते कौन कौन से इनके ग्रंथ हुए, तो पहला जो है अंग, जिसमें कितने अंगों की संख्या 12 है, कितने है 12 है, जिसमें जैन सिद्धांत के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरा है उपांग, और इसकी भी संख्या कितनी है, तो 12 है। तो उपांग जो है हमारा वो अंग का ही विस्तार रूप है, यानी कि अंग को समझने के लिए उपांग का प्रयोग किया गया। तीसरा जो है प्रकीर्ण, इसकी संख्या 10 है, और इसमें ग्रंथों के बारे में जिक्र करता है, ग्रंथों के बारे में ही चर्चा करता है। उसके बाद है चौथा है छेद सूत्र, छेद सूत्र का जो संख्या है वो कितना है, 6 है। अब इसमें क्या है, तो भिक्षुओं उपासकों का नियम, जो भिक्षुक होंगे, जो उपासक उपासिका होंगे, उनके बारे में नियम और कानून जो लिखे गए हैं वो हमारा छेद सूत्र में निहित है। अब यहाँ ध्यान देना मूल सूत्र, तो मूल सूत्र में कितने, 4 हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के बारे में मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, जब हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे उसी समय। तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और ये भगवती सूत्र, ये दोनों ग्रंथों के आधार पर ही महाजनपदों का चर्चा हम लोग जानते हैं, उनके बारे में चर्चा मिलती है। यही दोनों ग्रंथों में महाजनपदों के बारे में चर्चा हमें मिलती है। तो कितने महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा इसी भगवती सूत्र में मिलती है। साथ में महावीर और अन्य जो तीर्थंकर हुए उनके बारे में भी जितने भी डिटेल्स हो सके उसमें लिखा गया है। तो ये भगवती सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गाइस यहाँ ध्यान देना कल्प सूत्र, ये दरअसल कल्प सूत्र के जो लेखक हैं वो हैं भद्रबाहु, दिगंबर के जो अध्यक्ष रहे हैं भद्रबाहु, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया कल्प सूत्र। बात को वो चर्चा करते हैं कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस तरह से था, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास था वो किस तरह से था, इसलिए भद्रबाहु की ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को लिखे हुए। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, जैन धर्म में ग्रंथों को आगम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। साथ में एक नीचे वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, सरवण बेलगोला में बाहुबली मूवी वाला जो बाहुबली, उसका नहीं, बाहुबली यहाँ पर ये अलग है, जो जैन धर्म का समर्थक है उस बाहुबली का बहुत बड़ा प्रतिमा बना हुआ, मूर्ति बना हुआ है सरवण बेलगोला में। अगर समझ में आएगा तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी कुछ कुछ हेल्प हो जाए। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है, हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक बौद्ध धर्म के साथ में, तो हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया, मेरे पढ़ने पे का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थैंक यू।